हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज बहुत टाइम बाद हम वीडियो बना रहे हैं, वो भी अपनी चहेती रेनो ड्राइवर के साथ। और भाई फाइनली आप लोगों ने करवा दी अपने 20,000 सब्सक्राइबर। भाई एक चीज की मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, लगभग पिछले 20 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। और ये देखो थोड़ा चोट वोट लग गई थी अभी हाथ में, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। और साथ ही साथ अभी होली आ गई तो थोड़ा सा बिजी हो गया। तो आज अपने पास अपनी रेनो ड्राइवर RXT, और ये भाई भारत की मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा चली हुई ड्राइवर है। इसने आधे से ज्यादा भारत भ्रमण तो कर ही लिया है। अगर मैं आपको बताऊं ये कहां कहां गई है, तो अभी रिसेंटली भाई ये 7,000 किलोमीटर की ट्रिप से वापस आई है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, देखना। ये देखो आप इसकी ट्रिप भी है इसकी 6989, मतलब भाई 7,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल के आई है अभी। और पता है कहाँ कहाँ गई है, एक बार ये गाड़ी कश्मीर जा चुकी है, अभी कश्मीर के बाद फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब अपने चित्रकूट से, और ये नागपुर, औरंगाबाद, दमन एंड दीव, शिरडी, नासिक, सूरत, मतलब आधा महाराष्ट्र आधा गुजरात वो कंप्लीट कर चुकी है। चित्रकूट से कहां मध्य प्रदेश, मतलब UP-MP बॉर्डर, वहां से स्टार्ट हुई, सीधा कहां कश्मीर पहुंच गई। तो इसने जितना भारत भ्रमण किया है भाई, वो किसी गाड़ी ने किया ही नहीं है। और टोटल ये गाड़ी अभी चल चुकी है अपनी 87,000 किलोमीटर। तो 2020 मॉडल गाड़ी है, जैसे मेरी RXT थी उसी के बाद की है ये गाड़ी है। देखो 87972, मतलब 88,000 किलोमीटर ये कार चल चुकी है, और उसके बाद भी ये चलने के लिए एकदम रेडी रहती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी या कुछ लोगों को सुना होगा कि भाई रेनो की गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए, 25,000 किलोमीटर के बाद उसमें सस्पेंशन का काम आता है, वो बहुत बेकार हो जाती है, इंजन में काम आता है और इंजन रिलायबल नहीं होते हैं। पर भाई 87,000 मतलब 90,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और मुझे लग रहा है 1-2 महीने बाद ही 1,00,000 कंप्लीट हो जाएगी। पर उसमें आज तक इसने कोई भी काम नहीं मांगा, इवन क्लच प्लेट में भी कोई काम नहीं हुआ इसका। और गाड़ियां होती हैं तो 80-90,000 में क्लच प्लेट अपनी चेंज करवा लेती है, इसकी वही लगी हुई है जो इसमें लग के आई हुई थी। आज हम इसका एक वॉक अराउंड भी लेने वाले हैं, वॉक अराउंड क्या मतलब भाई अपना रिव्यू लेने वाले हैं कि 87,000 किलोमीटर में अपनी गाड़ी के क्या हाल हो चुके हैं। और एक बार जरा आप अपनी लोकेशन चेक करो, कितनी गजब की लोकेशन है, देखो भाई ये है अपने चित्रकूट में देवांगना घाटी। सो दिस इज शिवान शर्मा ऑल द वे फ्रॉम चित्रकूट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई ये गाड़ी जब इतनी दूर दूर चलती रहती है, इतनी जगह की ट्रिप्स मारती रहती है, तो हमने अपनी गाड़ी में एक बहुत सही चीज इंस्टॉल करवाई है, और वो है भाई ये MGF-132 का कारटैग जो लगा है अपनी यहाँ पे विंडशील्ड पे। मतलब अगर आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हो और किसी को आपकी गाड़ी से दिक्कत है, मान लो स्कॉर्पियो वाले को मुझसे दिक्कत हो सकती है, ये ऐसे खड़ी है, ये ऐसे खड़ी है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है इस QR कोड को सिर्फ स्कैन करके, अपना चाहे गूगल लेंस से स्कैन कर ले, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, उसका नंबर मेरे पास आएगा, मेरा नंबर जाएगा उसके पास। तो भाई आप लोग अगर चाहो तो इस चीज को अपने गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हो, इमरजेंसी पर्पस के लिए भी काफी सही है। मतलब रॉन्ग पार्किंग में लोग आके कोई स्क्रैच मार जाता है, कोई शीशा पड़ जाता है, वो चीज नहीं होगी। और मान लो अगर कभी आपका कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है, लोग आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपके घर में कॉन्टेक्ट किया जा सकता है सिर्फ इस टैग को स्कैन करके। तो लिंक मिल जाएगा भाई आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चाहो तो जाके खरीद सकते हो या फिर अमेजोन से ही जाके खरीद लो। तो ये रहे भाई अपने पास कार की चाबी, तो इसमें कोई आपको पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता क्योंकि ये है इसका RXT वेरिएंट। सबसे इसका टॉप आता है RXZ पर, ये है RXT, मतलब सेकंड टॉप वेरिएंट है ये अपने रेनो ड्राइवर का। इसमें आपको मिलता है 1000cc का इंजन, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लोग कहते हैं कि अंडर पावर्ड है, ये ठीक से चल नहीं पाता है, इसमें बहुत ढेर सारी दिक्कतें आती है। पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में ये सारी बातें हैं या फिर सारे मिथ्स हैं। मतलब देखो मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है कि वो लोग वीडियो बनाते हैं ना, जब एक दो बार गाड़ी चलाया उसके बाद अपना रिव्यू दे दिया कि भैया ये तो बहुत खराब गाड़ी है, एक बात बताओ 10,00,000 रुपए के अंदर में आपको एक MPV मिल रही है, छोटी इनोवा मिल रही है आपको, और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे अपनी अल्टिगा है वो टैक्सी पे चलती है, ड्राइवर आपको टैक्सी पे देखने के लिए नहीं मिलती है, इसे वही लोग चलाते हैं जो कि भाई अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। और ये भी कोई टैक्सी वाली गाड़ी नहीं है जो इतनी ज्यादा चल गई, बस ये है कि जो चाचा है जिनकी ये कार है घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन है। आपने इसके और भी रिव्यूज देखे होंगे चैनल पे पड़े हुए, जो भी व्हाइट ड्राइवर है वो यही वाली है, तो आप जाके देख सकते हो जो भी इसमें पुराने प्रोज एंड कौन सा है। और एक चीज भाई बताऊं, इसमें टायर भी आज तक नहीं चेंज हुए हैं, दो टायर इसके चेंज हुए थे जो कि फट गए थे, वो भी अपनी गलती की वजह से ही फटे हुए थे, तो वो टायर चेंज हो गया, इसके बाद पीछे वाले टायरों को आगे करवा दिया गया, बस ये इसमें सीन हुआ, और इसमें बाहर से कोई भी काम नहीं हुआ, बस कार की सर्विस होती रहती है और कार चलती रहती है। तो 2020 के नवंबर में गाड़ी आई थी, अभी 2024 आ चुका है, तो इस साल गाड़ी हो जाएगी अपनी 4 साल की। तो 4 साल में भाई कार का मतलब कोई ज्यादा काम मांगा ही नहीं, देखो यहाँ तक कि इसमें बाहरी कोई चीज आज तक इंस्टॉल करवाई ही नहीं गई है, बस एक बार ये लेदर रैप करवा दिया गया है और हमको लगाना है भाई सीट बेल्ट। ओके सो गो। बाकी भाई आप गियर वगैरह देखो, हर चीज कितनी ज्यादा इसकी अभी भी सॉफ्ट है, मतलब कार कोई काम नहीं मांगती है। जैसे अपने मारुति के इंजन भाई रिलायबल हो चुके हैं ना, सेम वो हाल हो चुके हैं अपनी रेनो ड्राइवर के। देखो घाटियों पे चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि हिल ड्राइव रेनो ड्राइवर नहीं कर पाती है, अंडर पावर्ड है, अंडर पावर्ड है। भाई
क्या पावर चाहिए। मतलब अगर मैं उनके सामने कह दूंगा ना कि अंडर पावर्ड है ये कार, भाई गुस्सा जाते हैं, कहते हैं तो क्या जेसीबी लोगे क्या इस प्राइस में। देखो अभी मैं हिल पे चढ़ा रहा हूँ वो भी कार को रिवर्स गियर पे, और देखो हम यहाँ पे एक बार मैंने कहा आपको चढ़ा के दिखा ही देता हूँ ना। चलो जिसको याद नहीं रहा पता चला उड़ा दे। देखो है ना काली की चढ़ाई, अब आपको दिखाता हूँ। देखो पहला गियर है, एसी ऑन है, आरपीएम भी आप देखना। दूसरा गियर लगा दिया, देखो स्ट्रगल कर रही है कार, चढ़ाई देख लो एक बार। तीसरा गियर लगा दिया, चढ़ रही है ना आराम से। अब आप बताओ कि क्या ये गाड़ी अंडर पावर्ड है। ऑन एसी चढ़ा रहा हूँ भाई, ये भी नहीं कि आप कोई तो और दिक्कत हो। आप देख लो इसे आरपीएम अपना 2000 पे है, ये मैं चौथा गियर भी अगर इसमें डाल दूंगा, देखो 30 की स्पीड में चौथा गियर ऐसी एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब पीछे साइड देखो एकदम मतलब डाउन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं ऐसे जब यूटर्न लेके बिना एक्सलरेटर के कार को कैसे लेके जा सकता हूँ। तो देखो अभी तो ये एयरपोर्ट वाली रोड है, तो यहाँ से एक बार हम यूटर्न ले लेते हैं कार का। टर्निंग रेडियस की बात करें और इसके स्टीयरिंग की फीडबैक की बात करें, देखो एक हाथ से आप कार को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो गियरबॉक्स, एक उंगली से मैं अपनी स्टीयरिंग को घुमा सकता हूँ, समझ रहे हो। देखो बस इसमें एक चीज का मुझे थोड़ा सा खराब लगता है कि इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। ये आपको मिलता है अपने RXZ में, मतलब इसके टॉप वेरिएंट में। देखना अब मैं यहाँ से कर दूंगा कार को न्यूट्रल, देखना कार अपने आप चल के यहाँ से जाएगी। चलो चलो चलो, ऑन एसी गाड़ी है। देखो भाई ये देखो मेरे दोनों पैर ये ऊपर है, देखो 18-20 अपने आप चल रही है भाई। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि ढाल ठीक ठाक थी यहाँ पे, देख रहे हो। ये देखो 30-40, अभी तो आगे रोड ही खत्म हो जाएगी, पर आप देखना 50 की स्पीड तक कितना सही गाड़ी जा रही है। तो अच्छी खासी चढ़ाई थी, ठीक है। तो अपनी भाई रेनो ट्राइबर अंडर पावर नहीं है, ये सारे मीठ है भाई। 1000 cc के इंजन है, एनर्जी इंजन इसमें आपको मिलता है और 3 सिलेंडर है। चलो ठीक है, निकालता अपना 76 bhp विथ 96 Nm ऑफ टॉर्क। तो थोड़ा सा आपको टॉर्क सुनने में कम लग सकता है, पर भाई कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद भाई हम बात करें कंफर्ट की। कंफर्ट तो गाड़ी में इतना है कि सोचो आदमी 7000 किलोमीटर गाड़ी चला के चला आ रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी वो आराम से घूम फिर रहा है, उनके साथ ये सीन नहीं है कि थक गया हूँ इतनी गाड़ी चलाया हूँ। वो भाई चलते ही जाते हैं, जहाँ पेट्रोल पंप मिल गया सो गया, इसके बाद फिर आगे चल दिया। मतलब उनको ड्राइव का इतना ज्यादा शौक है। और मैंने कहा उनका मैं बार बार क्या ही रिव्यू लूं, एक बार मैं अपना रिव्यू देता हूँ कि इतने किलोमीटर के बाद आखिर कैसी भाई गाड़ी चल रही है। कोई आदमी कहेगा नहीं कि ये गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है। चलो महिंद्रा के साथ तो ये कि इतनी महंगी गाड़ियां आती हैं, उनकी 20-20 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, तो ठीक है भाई 1-2 लाख किलोमीटर चल जाती हैं। अभी आप देखना ये गाड़ी कितने किलोमीटर और चलेगी। उनका नेक्स्ट प्लान है कि इस बार वो जाएंगे उत्तराखंड साइड, कश्मीर हुआ है, इधर महाराष्ट्र हुआ है, गुजरात हुआ है, अब उन्हें उत्तराखंड मनाली, अब उनको यहाँ पे जाना है, तब वहां पे जाने के प्लान में। मतलब उनको भी घूमने कितना ज्यादा शौक है। बाकी देखो यहाँ पे अपने राधा रानी, श्री राम, ये सारी चीजें लगा के रखते हैं, बाहर का उनको भी कोई काम पसंद ही नहीं है। एक इसमें मुझे निगेटिव भाई इस समय फील हो रहा है, और वो रहने वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या है। इसका जो स्टेपनी लगी होती है ना, वो कट कट आवाज करती है, और वो कहां से आवाज आती है पता नहीं, स्टेपनी से ही आती है या कहीं और से आती है। बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अगर हम माइलेज की बात करें तो ठीक, तो बहुत बढ़िया माइलेज निकाला भाई गाड़ी ने। ऑन हाईवे 22-23 का माइलेज निकाल दे रही है भाई, ऑन एसी चल रही है 22-23 का माइलेज निकाल रही है। ये भी नहीं कि बहुत धीमे धीमे चल रही है, 100-120 गाड़ी चलती रहती है, उसके बावजूद इतना बढ़िया माइलेज निकाल रही थी। बाकी हिल्स पे ड्राइव करने में भाई ड्राइवर को बहुत मजा आती है। अगर आप 4-5 दोस्त हो ना, लास्ट शो अपनी फोल्ड कर दो और उसके बाद 5 लोग आराम से भाई पूरे भारत के टूर पे आप निकल जाओ, आपको फील ही नहीं होगा कि आप पूरा भारत घूम के आ रहे हो। मतलब इतनी कंफर्टेबल कार है। अल्टिका वगैरह यार पता है पुलिस वाले रोक लेते हैं कि यहाँ टैक्सी होगी या भाड़े वाला होगा, आप चलाओगे ड्राइवर लगोगे देखने में, पर इसमें भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें तो अब क्या ही बताऊं, ये किसी गाड़ी है, पर हाँ इसमें आपको कोई दिक्कत होती नहीं है भाई। पुलिस वाले भी एक रिस्पेक्ट देने लग गए, छोटी इनोवा है अपनी, तो कुछ इस टाइप की है भाई अपनी गाड़ी। और एक चीज बताऊं तो अभी जैसे अपनी RXZ जो नई वाली आ रही है, उसमें जनों ने क्या गजब की भाई अपडेट्स मारे, वायरलेस चार्जर दे दिया है, यहाँ पे आर्मरेस्ट दे दिया है। तो इसको भी मैं ट्राई करने वाला हूँ कि इस कार में भी हम थोड़ा आर्मरेस्ट वगैरह इंस्टॉल करवा दे और थोड़ा ऐसा बनवा देना कि ये और गजब की लगे देखने में। बाकी भाई जो भी लोग ये रेनो ट्राइबर लेने वाले होते हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्राइबर का मसीहा मैं ही हूँ। मैं कभी इसकी बुराई बताता ही नहीं, पर हाँ ऐसा नहीं बुराई नहीं बताइए, पर इसमें बुराई बताता हूँ। पता नहीं आप लोग इतना गरिया डालते हो ना मुझको,
तो एक बार मैं यहाँ पे आपको खड़ी करके कार चेकआउट भी करवा देता हूँ। ये न्यूट्रल, कार ऑफ नहीं करते हैं, चलते हैं कार के बाहर। देखो यहाँ पे बोलेरो बहुत चलती हैं, यहाँ देखो ना बोलेरो ही बोलेरो आती रहती हैं। कितनी पुरानी बोलेरो है भाई, देखो कितनी पुरानी बोलेरो, कैसे लोग चला रहे हैं। तो हेज अवर कार ब्रो, ये देखो ये खड़ी हुई है यहाँ पे, देखो बंदर अंदर कैसे टहल रहे हैं। पर इनसे बहुत बच के रहा करो, हनुमान जी की सेना ना बहुत खतरनाक होती है, ले जाएंगे हम ही को साथ में ऊपर पहाड़ वहाड़ पे अभी। तो ये देखो भाई ये खड़ी हुई है, बाकी आप एक बार लोकेशन चेकआउट कर लो, क्या गजब की लोकेशन है भाई, देवांगना घाटी चित्रकूट। तो चित्रकूट से भाई आपका भाई है। बाकी ये वाला देखो टायर इसका वही कंपनी वाला है, और पीछे वाले आगे करवाए गए। तो एक बार आप इसे चेक कर लो, ये अपोलो के इसमें डलवाए गए थे, और इनकी प्रोफाइल है भाई 165/80/14। चलो इनके इसमें वही टायर मिलते ही है भाई आपको कंपनी से ही, और भाई इसमें आपको मिलते हैं MRF के टायर्स, पर इसमें आगे पड़ चुके हैं अभी अपोलो के, पीछे भाई MRF ही पड़े होंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई पीछे भी। अरे भैया ये बैठे थे बगल में मेरी भटली। और बात करें इंजन की, देखो इंजन 100,000 किलोमीटर के बाद किस तरह से आवाज कर रहा है। एक बार मैं आपको इंजन देखकर खोल के भी भाई दिखा देता हूँ। यहाँ से अपने इंजन को खोल सकते हैं भाई, बाहर इतनी गर्मी है पर कार अंदर से इतनी ठंडी है। और एसी चलती है ना भाई, एसी कारों से बहुत गजब है। ये देखो भाई ये रहा इसका इंजन, देख सकते हो आप भाई मेरी फट रही है। चलो पहले अंदर चलो, सॉरी भैया देखना मिनट को। लो ले जाओ, लो आओ ले जाओ, लो लो ले 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 भाई, इतने मासूम लगते हैं ना ये, इतने होते नहीं हैं। देख रहे हो भाई पूरे तरफ से लोग घेर रहे हैं गाड़ी को, देखो वो इधर से कि ये कौन ही आ गया है यहाँ पे, भैया पहले निकल लो। देख रहे हो भाई हम लोग पूरे घिर चुके हैं यहाँ पे बंदरों से, ये आगे ये बगल में ये साइड में। चलो भैया चला जाए ना, ये सही में उठा ले जाएंगे कहेंगे चलो गाड़ी वाड़ी छोड़ दो, लॉक कर लो पहले गाड़ी, अब चले कोई हो ना नीचे नहीं बैठते वैसे। हाँ जी, तो ये थी भाई अपनी रेनो ड्राइवर एक इतने लंबे ट्रिप के बाद। मैं अब पूरा लिख के डाल दूंगा कि कहाँ कहाँ पे अभी ये गाड़ी गई है, मतलब इस ट्रिप पे, और इसके पहले तो कश्मीर तक गई, वैष्णो देवी वगैरह सब होके आ चुकी है। चित्रकूट से कितने किलोमीटर पड़ता है ये भी आप देख लेना एक बार अपने गूगल मैप पे, वरना मैंने तो भाई लिख दिया। तो 7,000 किलोमीटर का पूरा अपना ये वाला ट्रिप था इसका, और काफी बढ़िया भाई इसका सारा रिस्पांस रहता है। लॉन्ग ट्रिप्स के लिए गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, आपको फील नहीं होगा कि मतलब आप इतना लंबा आप गाड़ी चला के आए। सो यही था गाइस आज की वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।